आप इतनी बरकतें सुन रहे हैं कि गौसे आजम तक मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। तुम बेइज्जती नहीं बल्कि तुम बेइज्जती जान अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तब आपको मालूम है डूबी हुई बारात को वापस ला दिया। ये सब इतनी तवातुर से रवायतें आ गई हैं कि इनके सदाकत में कोई कलाम नहीं, लेकिन ये मकाम इतनी आसानी से नहीं मिला। जिंदगी के बेशबहा लम्हा को गौसे आजम ने अल्लाह की याद में लगा दिया। 25 साल जिंदगी की जवानी के 25 साल, 7 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था, बगदाद तशरीफ लाए थे, जिलान से चले थे जो ईरान का शहर है या इराक के बॉर्डर पर है, वहां से बगदाद मदरसा निजामिया में तालीम हासिल करने के लिए 7 ही साल से बढ़िया उम्र में चले थे। उसके बाद पलट कर जाना नसीबुद्दीन हुआ, माँ के वसाल हो गया, शायद मेरा ख्याल से मुलाकात भी नहीं हुई। 7 साल से आए उसी उम्र से जफा कशी और सब तहम्मुल के वसीम पैकर बने। खुद बयान करते हैं कि मैंने जब पढ़ाई कर रहा था मदरसा निजामिया तो मैं तीन दिन हो जाते थे, मुझे एक लुकमा खाना नसीब नहीं होता था, मैं भूखे रहता था मगर अल्लाह की याद करता था, तालीम हासिल करता था, बंदगी रखी किया करता था। जब बहुत भूख सताती थी ना तो मैं जंगल में निकल जाता था, जब भूख बहुत मुझे सताती थी ना तो मैं जंगल में चला जाता था और वहां पे जो हरी हरी घास नजर आती थी और खाता झाड़ियां नजर आती थी मैं उनसे पत्थर को चुन चुन के खा लिया करता था और खा खा के मैं अल्लाह की बंदगी करता था। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अपने गुलाम को तूने इस पत्ती खाने की तौफीक अता फरमाया। और ये एक दिन का मामला नहीं था, 2 दिन 4 दिन करता आदमी कर लेता, लेकिन कोई 25 साल ऐसा नहीं कर पाएगा। 25 साल गौसे आजम जंगल में रह गया, अल्लाह को याद किया। सुबह में आते थे मदरसा निजामिया बगदाद में, तालीम हासिल करते थे और किताब लेकर जंगल में चले जाते थे, फिर सुबह ही में आते और उसी जंगल में रहा करते थे, कोई साया नहीं था, पेड़ के नीचे बैठ कर अल्लाह की बंदगी करते थे और जब भूख लगती थी वही झाड़ पत्तियां खाते थे। रवायतों में तारीखों में लिखा गया कि रावियों ने लिखा कि हमारे रगों में खून बहता है और उसकी लाली हमारे बदन पे नजर आती है, हमारा बदन लाल नजर आता है, लेकिन जब गौसे आजम का बदन देखा जाता था तो हरा नजर आता था, सब्ज नजर आता था। गौसे आजम से पूछा गया ये कैसे हो गया, कहा मैंने अपनी जिंदगी में 25 साल तक हरे पत्ते खाए हैं तो मेरे बदन पूरे हरे हो गए हैं, लेकिन मैं अल्लाह की बंदगी से राजी नहीं। ऐसे ही नहीं गौसे आजम कोई कर पाएगा, कोई कर पाएगा कि 15 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज, 40 साल रवायत में 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज कौन पढ़ेगा रात भरे बाद, रात भरे बाद 15 साल गौसे आजम की जिंदगी ऐसी गुजरी है कि 15 साल तक एक पैर पर खड़े रहते थे और रात भर में एक कुरान खत्म किया करते थे। 15 साल मुसलसल आप सोचते हैं इतने बड़े गौस कैसे हो गए, इतने आसान है गौस बन जाए। उनका बचपन देखो, जवानी की सारी उमंगों को उन्होंने जनाजा न डाल दिया के लिए और इबादत इस अंदाज से किया है कि आज इबादत भी उन पर नास है। गौसे आजम जब 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 एक पैर पर होकर तिलावत करते थे तो देखते थे कि झपकी आ रही है नींद की, परेशान होते थे तो घबरा कर जाकर सीढ़ी पर खड़े हो जाते थे कि अगर अगर छपकी आ गई और मैं रात में गिरूंगा तो सीढ़ी से डगरा कर नीचे आऊंगा, मेरी आंख खुल जाएगी, कुरान पढ़ना शुरू करूंगा। क्या बात है, ऐसी इबादत होती थी।
पूरी जिंदगी 90 साल जिंदगी है तकरीबन, 90 साल जिंदगी में गौसे आजम ने 40 साल तक वाजो नसीहत किया है लोगों को, तबलीग और इशाअत किया है लोगों को, लोगों तक अल्लाह रसूल की बातों को पहुंचाया, अब जाके मकाम मिला है। गौसे आजम भूख किसको नहीं सताती है, जब बशर है तो भूख तो लगनी हर हाल में लगनी है, लेकिन गौसे आजम ने कभी भूख का शिकवा नहीं किया। उनकी माँ बड़ा बेचैन कहा करती थी, उम्र खैर फातिमा, बाप का तो विसार हो गया था बचपन ही में, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उनके वालिद बचपन में गुजर गए, माँ ने पत्थर दिल पे रख के 7 साल की उम्र में भेजा था बगदाद पढ़ने के लिए, जानते थे कि बगैर तालीम के बेटा किसी लायक नहीं पढ़ सकता, अगर बेटे को कुछ कुछ बनाना है तो तालीम रास्ता बनाना है, अगर उसके अंदर इल्म होगा तो बगैर इल्म के कोई जान नहीं सकता कि खुदा क्या है, अगर खुदा की मार्फत चाहते हैं रसूल की मार्फत चाहते हैं तो इल्म होना चाहिए, और बगैर इल्म के खुदा की मार्फत पाना चाहेगा तो बंदा खुदा को नहीं पाएगा बल्कि गुमराही की मंजिल पे पहुंच कर होगा। विलायत की पहली शर्त यही है कि उसके पास इल्म शरीयत की अच्छा, बगैर इल्म इबादत के कोई भी वली नहीं बन सकता, अगर कोई कहे मैं बहुत बड़ा वली हूँ और नमाजी नहीं है तो समझो वली नहीं, क्या बात है शेर, अगर वो इबादत गुजार नहीं है तो वली नहीं है। रिवायतों में यहाँ तक आया है अगर कोई बहुत बड़ा रात दिन इबादत करने वाला हो, मुत्तकी और परहेजगार हो, अगर वो रास्ता चल रहा है और सुन्नत नबी के खिलाफ चल रहा है तो समझ लो वली नहीं है, अगर वली होगा तो सुन्नत मुस्तफा पर चलेगा, उसका चलना भी नबी नबी होगा, उसका उठना भी नबी नबी होगा, उसका बैठना भी नबी नबी होगा, उसका खाना भी नबी नबी, उसका पीना भी नबी नबी, उसका आना जाना भी नबी नबी, उसका सोना भी नबी नबी, उसकी इबादत में नबी, उसकी तहज्जुद में नबी, उसकी नमाज में नबी, उसके तिलावत में नबी, जिना देखो उसे नबी का चलवा रहा था। आप इतनी इबादत गौसे आजम ने किया, इतनी बंदगी किया, फिर जाके गौसे आजम बने, और सिर्फ गौस नहीं बने गौसु सकलैन बने, गौसु सकलैन जानते हैं किसे कहते हैं, जो इंसानों का भी गौस हो और जिन्नातों का भी गौस हो, जिन्नातों का गौस बहुत हुए हैं, कोई जिन्नात का गौस नहीं हुआ, बैक वक्त सिर्फ गौसे आजम हमारे पीराने पीर की ऐसी शान है, एक ही वक्त में इंसान बशर के भी गौसे आजम थे और जिन्नातों के भी गौसे आजम, वरना जिन्नों के अलग गौस हुआ करते हैं और इंसानों के अलग गौस हुआ करते हैं, जैसे मेरे नबी आए तो दुनिया में वाहिद रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं, वैसे ही मेरा गौस दुनिया में आया तो वही वाहिद गौस सकलैन बनकर आया। गौसे आजम नमाज पढ़ा रहे थे जामा मस्जिद, जिनकी बात आ गई है गौसे आजम पढ़ा रहे थे, जैसे ही मुसल्ले पर खड़े होते हैं एक असलहा बाजू में से अचानक निकलता है, मुंह फाड़ के खड़ा हो जाता है, और जहां पेशानी झुकाना था गौसे आजम को वहीं आकर बैठ गया और मुंह फाड़ के ऐसे खड़ा है कि जैसे ही गौसे आजम झुके मैं खा जा पा जा, गौसे आजम ने कि नजर में सुन्नत नबी मौजूद थी कि अगर सांप नजर आ जाए अजगर नजर आ जाए तो उसे पहली बार में मारो मत, उसे भगाने की कोशिश करो, अगर वो भाग जाए तो ठीक है, दोबारा हजरत सुलेमान की कसम उसे अगर फिर भी भाग ना भागे तीसरी बार में मारने का हुक्म दिया गया, तीसरी बार मारने का हुक्म दिया गया, इसलिए कि हर सांप साफ नहीं हुआ करता है, वो कोई मखलूक दूसरी भी हो सकती है, कभी तुम्हारे घर की रखवाली भी करने के लिए रब की तरफ से मुतय्यन कर दिया जाता है, कभी घर की बलाओं को दूर करने के लिए भी तुम्हारे घर में अलग अलग शरण से मुतय्यन कर दिया जाता है, इसीलिए सुन्नत यही है पहले तीसरी बार भी मारने वाले को मैं गौसे आजम
कि सामने गौसे आजम को यह सुन्नत मालूम थी कि मारने का हुक्म नबी ने नहीं दिया। गौसे आजम नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ा रहे थे, जब सजदे में जाना चाहा तो तरीका यही है कि कोई मुझी चीज हो तो हाथ से हटा दिया जाए। गौसे आजम डरे नहीं, सांप का हाथ किनारे कर दिया है और सजदा कर दिया है। जैसे ही गौसे आजम सजदे में सर रखते हैं, सांप आस्तीन में घुस जाता है, आस्तीन से घुसता है, पूरी बदन पे चलता है और फिर उस आस्तीन से आकर बाहर निकल जाता है, फिर वो सांप गायब हो जाता है। गौसे आजम आज का कोई बड़ा बड़ा अल्लामा होता तो मसल्ला छोड़ के भाग गया होता, वक्त का कितना बड़ा भी मुफस्सिर मुहद्दिस मुकर्रर होता वो भाग जाना। अगर यही कोई नजर आ जाए तो कोई बैठा नहीं नजर आएगा, लेकिन जिसकी बदन में घुस गया हो और कोई बदन में चल रहा हो वही वक्त का गौस हुआ करता है। जो गौस साफ की परवाह न करे, रब की इबादत कर रहा हो तो साफ की अच्छी से कोई लाने नहीं लगती है। इसलिए उनके सामने उनके बाबा मौला अली की वो सीरत मौजूद थी कि मौला अली जब नमाज में जाते थे कोई भी तकलीफ होती थी वो बर्दाश्त कर लिया करते थे, जब नमाज में जाते थे तो उनके बदन से तीर निकाल लिया जाता। दूसरे दिन नमाज पढ़ाने गौसे आजम फिर पहुंचे, फिर सांप आ गया। सांप आया तो सांप बनकर नहीं आया, एक अजनबी शक्ल का इंसान बनकर आया और वहां खड़ा हो गया। गौसे आजम ने नमाज पढ़ाया और मुशाहिदा कर लिया कि ये बशर वाली मखलूक नहीं है, गैर मखलूक है। कहा तुम जिन लगते हो? कहा हाँ हाँ मैं जिन ही हूँ, मैं आया था वहां इम्तिहान लेने के लिए, कल मैं जो आया था तो मैं साफ बन कर आया था, कोई और नहीं था, मैं ही था। और मैंने इसी तरह सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की तादाद में वलियों को आजमाया है, जो बड़े बड़े विलाये का दावा करते थे, इसी तरह आजमाया है, जंगल में जाकर आजमाया है, मसल्ले में जाकर आजमाया है, लेकिन सबको मैंने करने वाला पाया है। जिसको भी देखा जिसके पास जाता था मसल्ला छोड़ के भाग जाता था, जिसके सामने जाता था दरवाजा छोड़ के भाग जाता था, जो वक्त था बहुत बड़ा वली राजवाड़ा हज पढ़ा करता था उसके सामने जाता था वो भी मसल्ले पर से भाग जाता था। मैंने ऐसे ही 17,000 लोगों को आजमाया है, सब भाग गए हैं। पहले आप ऐसे वली अल्लाह के हैं जो मुझे देखा भी है और मैंने कोई परवाह नहीं किया है बल्कि रब की इबादत किया है। तो मैंने सोचा ऐसे नहीं डरे हैं तो बदन में कुछ कर देख लो, क्या डरते हैं कि नहीं करते। अब मैंने आजमा लिया कि दुनिया में आपके जैसा कोई कुतुब नहीं, दुनिया में आपके जैसा कोई वली नहीं। और मैंने क्या मेरे जिन की जितनी मखलूक है सबको मैं आपके सामने पेश करता हूँ, सबको अपना वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलामत गौसे आलम, जिंदाबाद। नारे तकबीर। गौसे आजम ने कहा मुरीदी ला तखाव, ऐ मुरीद ऐ मेरे मुरीद ये डर नहीं, किससे मत डर, दुनिया से भी मत डर, जहन्नम में से भी मत डर। इसलिए कि जिसका दामन तू पकड़ा है वह बड़ा काली मर्तबत है, बड़ा बुलंद मर्तबा वाला है। और गौसे आजम ने आखिरी में कहा क्यों नहीं मुझे यह मर्तबा मिले, मैंने भी तो दामने जहरा पकड़ा हुआ है, मैंने भी दामने अली पकड़ा हुआ है, मैंने भी दामने हसन हुसैन पकड़ा हुआ है, इमाम बाकर का दामन मेरे सामने है, ज़ैनुल आबिदीन का दामन मेरे पास है, और इमाम मूसा काज़िम मेरे पास है, इमाम जाफर मेरे पास है, इमाम अली रज़ा मेरे पास है। ये इतने अजीम रिवायत है, इतने अजीम नाम है कि इनका जो तसल्लुस है ये सीधे ले जाकर मेरे नाना जान तक पहुंचा देता है। और मेरा नाना जान कोई राम नहीं है बल्कि मेरा नाना जान इमामुल अंबिया है, सुल्तानुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया है। मेरा नबी वो नबी है जिनके जैसा कोई नहीं है, जिनके जैसा कोई नहीं है, उन्हीं के लिए सब कुछ है, उन्हीं के वास्ते सारे कायनात है। इमाम ने कहा जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने कुल जहां इतनी इबादत और बंदगी करने के बावजूद गौसे आजम की शान है, क्या आला बयान से काशी है। अभी तो दो चार बात